देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इसका ना मतलब कि कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग, जस्ट लाइक अ सूखी डाली। तो प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? रिवेंज, बदला लेना। तो इसमें जो ऐसा कैरेक्टर है, कि भारवी जो मेन लीड में है, भारवी जो है संस्कृत के महाकवि है। इवन श्रीधर और सुशीला भारवी के माता पिता हैं, और श्रीधर जो है वो भी संस्कृत के महापंडित हैं, और सुशीला भारवी की माता। भारती का जस्ट लाइक एक गेस्ट अपेयरेंस होगा इसमें, जस्ट लाइक कैसे हम लोग मूवी में कभी कभी देखते हैं। एक विदुषी है, मतलब कि बहुत नॉलेजेबल लेडी है। और आभा उस घर की सर्वेंट कह लो, सेविका है, जो उस घर में रहती है और उनके मतलब कि सुशीला और श्रीधर की देख रेख किया करती है। श्रीधर, श्रीधर जो है वो एक श्लोक पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। मतलब कि वो श्लोक का मतलब वो समझा रहे थे और वो श्लोक पढ़ रहे हैं, और सुशीला जो है वहीं बैठ करके वो श्लोक सुन रही थी। तो जैसा कि श्रीधर के बारे में हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के महापंडित हैं, तो वेद और शास्त्र और उपनिषद बहुत अच्छे से जानते थे और हमेशा शास्त्रार्थ किया करते थे, और वेद उपनिषद का ज्ञान खुद भी लेते रहते थे और दूसरों को भी देते थे। तो ये सब करते हुए सुशीला थोड़ा सा मतलब जैसा होता है ना कि जस्ट लगता है कि अभी वो कॉन्शियस हुई है। तो श्रीधर बोलते हैं कि सुशीला तुम सुन नहीं रही हो, लेकिन सुशीला बोलती हो सुन तो रही हूँ किंतु भारवी। श्रीधर बोले भारवी, फिर भारवी? भारवी के पीछे तुम वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो, क्या भारवी ये संसार में एक पुत्र है और तुम ही एक माता हो? सुशीला बोली ऐसा मैं नहीं कहती, किंतु मेरा भारवी अभी तक आया नहीं है, मतलब कि उनका बेटा अभी तक आया नहीं है। और जिसकी वजह से श्रीधर बोलते हैं कि नहीं आया तो जाएगा कहाँ, नहीं आया है तो आ जाएगा। और फिर वो शिवा शिवा करने लगते हैं, मतलब शिव जी के बड़े भक्त थे तो शिवा शिवा हमेशा बोला करते थे। फिर बोलते हैं, फिर भारवी, क्या कहूँ सुशीला, भारवी तो तुम्हारे लिए उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है। उसके चिंतन में तुमने उपनिषद भी छोड़ दिया है, वेद की बात नहीं करती, शास्त्र की बात नहीं करती, कोई चिंता नहीं है तुम्हें, तुम्हें लगता है कि बस तुम एक माँ हो और भारवी तुम्हारा बेटा है। लेकिन ये सोच लो कि भारवी एक कवि है, कवि जो है समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। कहने का मतलब कि जैसे ना हम जानते हैं ना कि कोई भी राइटर हमेशा समय को लेकर के, आने वाले टाइम को, बीते हुए टाइम को, किसी भी चीज को लेकर के इमेजिनेशन करके लिखने की ताकत रखते। तो उसी पर श्रीधर बोलते हैं कि भारवी एक कवि है, वो समय पर शासन कर सकता है, ना कि समय उस पर, वो समय को अपने हिसाब से चला सकता है, वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में, कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब राइटर और एक पोएट जब समय को लेकर के जब लिखना शुरू करता है ना, तो उसके लिए वो टाइम वहीं रुक जाता है। तो सुशीला बोली, तो वो आपके अनुसार क्या भारवी कवि बन गया तो मेरा पुत्र नहीं रहा? श्रीधर बोले पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। अपनी कल्पना से, मतलब अपनी इमेजिनेशन से वो न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है, मतलब एक नई दुनिया बसा सकता है, बना सकता है। तो सुशीला बोली कि तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या
वो कवि होकर अपनी कल्पना से अपनी एक माता का भी निर्माण कर सकता है, मतलब एक दूसरी माता भी बना सकता है क्या? तो फिर सुशीला खुद ही बोलती है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो कर भी ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूं, सिर्फ मैं। भारवी की अगर कोई माँ है तो वो है सुशीला। श्रीधर बोले, हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना, मतलब जस्ट लाइक जैसे कैसे हम लोग डिबेट करते हैं बस। सुशीला बोली, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। उसका कहना था कि छोड़िए ये सब फालतू बातें, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, और मेरे हृदय को मतलब मेरे मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बांध नहीं सकते हो। श्रीधर बोले कि देखो सुशीला, तुम इस व्याकुलता से मतलब जो तुम इतनी बेचैन हो, इससे बाहर निकलो, शास्त्र का चिंतन करो, मतलब शास्त्र के बारे में सोचना शुरू करो, तो तुम्हारा मन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, उनके कहने का मतलब था। सुशीला बोले, आप भारवी के पिता हैं, शायद इसलिए शास्त्र की बातें करते हैं, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे से नहीं होता। आज दूसरा दिन है और आज मेरा बेटा नहीं आया है, और हमेशा वो जल्दी आ जाया करता था, न जाने कहाँ होगा अभी। श्रीधर बोले कि सुशीला, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, मतलब फालतू का टेंशन ले रही हो, भारवी कोई बच्चा तो है नहीं, वो किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा, और यहाँ तुम माँ होकर के चिंतित हो रही, मतलब कि जैसे कि कवि थे तो कवि लोग को देखा ना, कवि सम्मेलन में गोष्ठी में बैठ करके मजे लेते रहते हैं। तो उसमें श्रीधर का कहना था कि अरे वो कहीं नहीं, किसी उसी कवि सम्मेलन में होगा, और जहाँ पे मजे ले रहा होगा तुम इधर बिना मतलब का परेशान हो रही। सुशीला बोली, आप इतने निष्ठुर कैसे हैं, मतलब इतने कठोर कैसे हो गए हैं? क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मतलब जो शास्त्र को पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है, क्या ये सब करने के बाद इंसान इतना कठोर, इतना निष्ठुर हो जाता है? हाय मेरा भारवी। श्रीधर बोले, भारवी भारवी, तुम ना ना खुद शांत रहोगी ना मुझे रहने दोगी, भारवी मूर्ख है और तुम मूर्खा, ऐसा कुछ बोलने वाले। तब तक सुशीला बीच में बोलती, हाँ हूं मैं मूर्खा, लेकिन यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है, तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे। मतलब सुशीला अपने आप से परेशान थी, इवन उसको लग रहा था कि मेरी टेंशन फालतू नहीं है, लेकिन श्रीधर उसे इग्नोर कर रहे थे। सुशीला बोलती है कि आप पंडित बने, शास्त्री बने, विद्या के आचार्य बने, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को मूर्ख मूर्खा ही रहने दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। श्रीधर बोले, सुशीला मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फिर सुशीला बोलती है कि कहीं आपने ही तो उसे घर आने से नहीं रोक दिया है। श्रीधर बोले, मैंने? सुशीला बोली, हाँ आपने। श्रीधर बोले, मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? सुशीला बोली, पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है। कहीं आपने ही उसे घर आने से तो नहीं रोक दिया? श्रीधर बोले, मैंने? सुशीला बोली, हाँ आपने। श्रीधर बोले, मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? सुशीला बोली, हाँ। पिता एक घर का सब कुछ होता है, इसीलिए सब कुछ कर सकता है, वो उसे घर से निर्वासित कर सकता है, मतलब कि निकाल सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, मतलब कि अपने कैस्ट से भी उसे रिमूव कर सकता है, समाज से भी मतलब कि सोसाइटी से भी उसे निकाला जा सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि एज अ पिता सारे अधिकार आपके पास है। श्रीधर बोले, लेकिन किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता, मतलब अपने मन से तो उसे नहीं निकाल सकता ना। सुशीला बोली कि हृदय से ना सही, लेकिन घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। श्रीधर बोले कि यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है। सुशीला बोली, तो इसका मतलब है कि आपने ही उसे आने से रोक दिया है? श्रीधर बोले कि मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा मतलब निकाले, अर्थ लगाए, तो मैं क्या करूं? मतलब कि श्रीधर और भारवी के बीच में ना कुछ हुआ था,
और श्रीधर भारवी के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ उसकी वजह से ही भारवी अभी तक घर नहीं आया। अब बात क्या थी ये देखना। सुशीला बोली, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की हैं जो उसे कष्ट कर, मतलब सुशीला समझ गई कि पिता ने जरूर कुछ ऐसी बात की है जो बेटे को बुरी लगी। श्रीधर बोले कि अगर उसे मेरी बात बुरी लगती है तो यह उसकी सोच है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुशीला बोली, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी, मतलब उसे जरूर आपने कुछ ऐसा तो जरूर कहा है जो उसे बुरा लगा है। श्रीधर बोले, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, मतलब अच्छे रास्ते पर चले, तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। मतलब कि जो कष्टकर बातें, जो बुरी भली बातें मैंने कही है, वो कभी कभी जरूरी हो जाती है अपने बेटे को अच्छे रास्ते पर लाने की। सुशीला बोले कि इसीलिए वो नहीं आया है, मैं कारण जान सकती हूँ क्या? श्रीधर बोले, अवश्य, तुम्हारा पूरा राइट बनता है जानने का कि क्या हुआ था। श्रीधर बोले कि इधर मैंने देखा कि कुछ दिनों से वह शास्त्रार्थ, मतलब कि शास्त्र की बातों में जब भी डिबेट होता कहीं भी किसी भी और भी पंडित के सामने, तो वो सारे पंडितों को पराजित कर रहा था, मतलब हराता जा रहा था। तो सुशीला बोली, तो यह तो आपके लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए, मतलब खुशी की बात होनी चाहिए कि आपका बेटा इस लायक है कि वो सबको परास्त कर रहा है। सीधा बोले, होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि वो सारे पंडितों को हरा रहा था, जिसकी वजह से उसका अहंकार, उसका घमंड बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया था कि वो उससे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं। उसकी गर्व सीमा का अतिक्रमण, मतलब कि गर्व घमंड में बदल रहा था, और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, नहीं सहन हो सकता था। सुशीला बोली, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं, मतलब जलस होते हैं? श्रीधर बोले, मूर्ख हो तुम, क्या तुम्हें लगता है कि एक पिता पुत्र से ईर्ष्या कर सकता है? क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? बीजांकुर का मतलब कि जब हम एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए जब हम सीड मिट्टी में डालते हैं, तो क्या सीड अगर पेड़ से ईर्ष्या करे तो पेड़ कभी बनेगा ही नहीं। तो जस्ट लाइक दैट, कि एक पिता अपने पुत्र से कभी जलस फील नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह सहन नहीं कर सकता था कि मेरा पुत्र दंभी, घमंडी और अभिमानी हो। तो सुशीला बोली, तो आपने उसे ताड़ना दी, मतलब उसे बुरा भला कहा, उसे क्रिटिसाइज किया? श्रीधर बोले, हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी, और वो भी उग्र रूप से, बहुत ज्यादा। सुशीला बोली, तो क्या कहा आपने, ये बताइए। श्रीधर बोले, मैंने कहा तो महामूर्ख है, दम्भी है, ज्ञानी है। अब सुशीला को समझते देर नहीं लगी, और सुशीला ने कहा कि ये सारी बातें आपने अकेले में कही या सबके सामने? श्रीधर बोले, पंडितों के सामने, मुझे किसका मतलब हेसिटेट, मतलब मुझे डर होता कि मुझे इसके सामने कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन कर दिया, मतलब मैंने डिसिप्लिन उसे सिखाया। सुशीला बोली, पंडितों के सामने ही? पंडितों ने क्या कहा? श्रीधर बोले, कहते क्या, सब उसका भारवी की ओर देखकर हंसने लगे, और भारवी के स्वर में ही बोल करके ये उसका परिहास करने लगे, ताली पीटने लगे, मतलब सब लोग उसका क्रिटिसाइज करने लगे और सब लोग ताली पीट पीट करके हंसने लगे। सुशीला बोली, हाय मेरा बेचारा भारवी। श्रीधर बोले, भारवी ने एक बार बहुत ही व्यथित, मतलब दुखी दृष्टि से मेरी तरफ देखा, और फिर गिल्टी की वजह से अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा करके वहां से चला गया। सुशीला बोली, तो आपने उसे रोका भी नहीं, जरूरी भी नहीं समझा? सुशीला बोली कि मेरे लाल से प्रिय, आपके लिए आपका अनुशासन ही है शायद। तो श्रीधर बोले कि सुशीला, मोह में मत बहो, मोह इंसान को बर्बाद कर देता है, और इवन अनुशासन की मर्यादा पर, मतलब डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिस पर बड़ा सा बड़ा सैक्रिफाइस भी किया जा सकता है, वो तो मेरा पुत्र है। सुशीला बोली, ओह,
आपके क्रोध को देखते हुए ही वो अभी तक घर लौटकर नहीं आया। अभी मुझे समझ आ रहा है सब कुछ धीरे धीरे। अब आपका गुस्सा देख करके वो अभी तक आया नहीं। श्रीधर बोले, क्यों, आज से पहले भी तो मैंने कितनी बार उसे ऐसी ताड़ना दी है, हर बार तो वो आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आया? आएगा। सुशीला बोली, उसे आना होता तो वो कब का आ गया होता। फिर सुशीला बोलती, कहीं वो ससुराल तो नहीं चला गया? श्रीधर बोले, नहीं, वो मेरी आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। सुशीला बोली, तब कहीं वो अपने ससुराल तो नहीं चला गया? और फिर सुशीला बोलती है, कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? सुशीला बोले, चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से कभी मत निकालना, क्योंकि वो श्रीधर पंडित का पुत्र है, इतना पतित नहीं हो सकता, मतलब इतना गलत रास्ता नहीं चुन सकता। सुशीला बोली, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया है। तो श्रीधर बोले कि हाँ, देशांतर जा सकता है, लेकिन वो जिस तरह तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हें सम्मान देता है, वो देखते हुए तुम्हारी आज्ञा के बिना वो उधर भी नहीं जा सकता, देशांतर भी नहीं जा सकता। देशांतर का मतलब काफी किसी दूर देश में चला गया हो, जहां के बारे में किसी को कोई आइडिया है। सुशीला बोली, तब तक ना किसी के आने की आवाज आती है, तब तक सुशीला मतलब बहुत एक्साइटेड होकर के, शायद वो आ गया, भारती भारती मेरे ला। तब तक आभा की एंट्री होती है, जो उस घर की सेविका है, सर्वेंट है। वो बोलती है, नहीं, मैं हूँ स्वामी आभा। सुशीला बोली, अच्छा आभा, भारवी देखना अभी तक नहीं आया है। सेविका बोली, अभी तक नहीं आया कभी? मैं तो समझती थी कि वो इस समय तक आ गए होंगे। सुशीला बोली, वो अभी तक नहीं आया, तू जाना जल्दी से उसे ढूंढ करके लेकर आ, जल्दी जा मेरी अच्छी आभा। आभा बोलती, मैं अभी जाती हूँ स्वामी, अभी खोज कर लेकर आऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर ले। मैंने पाकशाला मतलब किचन में जाकर देखा, आप लोगों का भोजन रखा हुआ है, आप लोगों ने उसे छुआ भी नहीं है, और स्वामिनी आप लोग भोजन कर लें तो बड़ी कृपा होगी। सुशीला बोली, आभा तू जा, मैं भोजन ना करूं कि मुझे और परेशान मत कर। आभा बोली, मुझे क्षमा करें, लेकिन एक निवेदन और है कि बाहर दरवाजे पर एक युवती आई हुई है, एक जो स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती। श्रीधर बोले, मेरे दर्शन की? मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। सुशीला बोली, आने दीजिए ना, हो सकता है कवि से परिचित होने के कारण अपने लाल के बारे में, मतलब कि भारवी के बारे में कहीं कुछ आइडिया मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन। आभा बुला ले उसे। आभा बोलती है, ठीक है, जो आ गया। आप सुशीला गई, आभा कहती है, मैं भोजन कर लूं, कैसे करूं, मेरे हृदय के दुख को वो नहीं समझती। श्रीधर बोले कि देखो, सुबह मैं जाऊंगा सब जगह जहां जहां कवि सम्मेलन होता है, और भारवी को खोजकर तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। सुशीला बोली, क्या इससे आपके अनुशासन की मर्यादा भंग नहीं होगी? मतलब आपने कुछ सोच समझ के उसे ताड़ना दी थी, अब आप उसे ढूंढने जाओगे तो शायद आपके अगेंस्ट हो। सुशीला बोली, आपको यकीन है कि वो किसी जनपद में मिल जाएगा? श्रीधर बोले, मुझे विश्वास है कि जब वो अनियमित कार्यों से मुक्त हो तो किसी ना किसी जनपद में अवश्य मिल जाए, मतलब कि जब वो डेली वाले कामों में बिजी नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी सम्मेलन में बैठा हो। सुशीला बोली कि अगर वो नहीं मिला तो आप फिर कहाँ ढूंढोगे? तो श्रीधर बोले कि मैं राजकीय सहायता, मतलब कि जिस राज्य में मैं रहता हूँ वहां के राजा से मदद मांगूंगा और उसे लेकर के आऊंगा, तुम शांति से शयन करो, मतलब सो जाओ, मैं प्रातः काल भारती के साथ ही लौटूंगा। अब सुशीला बोलती है, परसों से गया है मेरा लाल, पता नहीं कहाँ है, क्या है, कैसे है। जब जा रहा था तो उसने कौशे वस्त्र धारण किए थे, मतलब सैफरन कलर का, पीत रंग का अधो वस्त्र, मतलब जो शॉल जैसा दुपट्टा लेते हैं ना, वो पीले रंग का था,
नील रंग का उत्तरीय, मतलब वो जनेऊ जो उपनयन में पहनते हैं ना, देखते हो जो थ्रेड होता है जो मेल मेंबर्स पहनते हैं इन अ बॉडी, तो कुंचित केश मतलब कि कर्ली हेयर्स, और जाते समय मैंने उसके मस्तक पर पीले चंदन से पत्रावली मतलब पत्ते के जैसा मैंने बनाया था, ठीक है, मध्य में अरुण बिंदु मतलब कि जस्ट अ सर्कल दिया था। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने उसे विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था। क्या पता था कि आज उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी, मतलब उसे बुरा भला सुनना पड़ेगा। श्रीधर बोले कि भावुक मत बनो सुशीला, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं कि कल तुम्हारा भार भी तुम्हारे पास होगा, अभी तुम आराम से सो जाओ, शांत रहो, मुझे भी रहने दो। सुशीला बोली कि होने को तो आज भी मेरे पास मेरा बेटा हो सकता था, लेकिन आपको अपने शास्त्र का ज्यादा ज्यादा महत्व है इसलिए। श्रीधर बोले मैं समझता था कि वो हमेशा की तरह वापस आ जाएगा, लेकिन अब लिमिट क्रॉस कर गई है, और कम से कम कल मैं जाऊंगा, हम उसकी पत्नी पत्नी के प्रति तो उत्तरदायी है, मतलब कि भारवी की शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ यहाँ नहीं थी, तो बोलते हैं कि कम से कम उसकी पत्नी के खातिर तो हमें उसे ढूंढ करके लाना ही होगा। तभी भारती आती है, मतलब जो लेडी बाहर वेट कर रही थी, वो आती है और बोलती है प्रणाम, मेरा नाम भारती है। सुशीला बोली भारती आओ देवी, तुम कभी भारवी से परिचित हो क्या? भारती बोली कि वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं होता, मतलब कि जिस तरह स्प्रिंग सीजन जब आता है तो कोयल बोलती रहती है, उसी तरह भारवी को कौन नहीं जानता। सुशीला बोली कि तुम उन्हें कब से जानती हो? तो बोलती है कि वही गत मतलब कि पिछले पूर्णिमा में जो उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, उसी वक्त मैंने उनके मुख से शास्त्रार्थ की मीमांसा सुनी थी, मतलब कि उसके एक्सप्लेनेशन को सुना था, और ऐसा लग रहा था खुद सरस्वती उनके मुख पर है। सुशीला बोली धन्य है मेरा कवि, अपने बेटे की तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। फिर श्रीधर बोले इस समय तुम्हारे आने का रीजन हम जान सकते हैं? तो वो बताती है कि हाँ मैं महाकवि के दर्शन करना चाहती थी, मतलब कि भारवी के। श्रीधर बोले लेकिन भारवी यहाँ है नहीं। सुशीला बोली हाँ कवि अभी तक आया नहीं। भारती बोलती है कि मैंने तो सुबह मालिनी तट पर मतलब कि नदी किनारे उन्हें देखा था, सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। सुशीला बोली कब देखा था, किस समय देखा था? तो भारती बोलती है कि आज सुबह उषा वेला में मतलब कि जब सनराइज हो रहा था, तो मुझसे मिली थी। भारती बोली नहीं, वे उस समय ध्यानमग्न थे, मतलब कि मेडिटेशन कर रहे थे, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सुशीला बोली भारती की? तो भारती हंसती बोलती मेरी नहीं, बीना पानी मतलब सरस्वती माता की उपासना कर रहे थे। सुशीला बोली फिर वार्तालाप किया मतलब बातचीत की? तो बोलती है कि नहीं, जब मैं कोशिश करने वाली थी तब तक वे उद्विग्नता मतलब बेचैन होकर के एक और चले गए, मैं उन्हें पा न सकी। सुशीला बोली वो तब से आया ही नहीं, उसके पिता भी उसकी उसी का वेट कर रहे। भारती बोलती है ये उनके पिता हैं, उनको प्रणाम करती है। फिर श्रीधर उन्हें आयुष्मती बनो का आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं भारवी जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। भारती बोली मैं कृतार्थ हुई, मतलब मैं ग्लैड हूँ कि आप इतना कुछ ना करें, मैं फिर से कल सुबह आ जाऊंगी मिलने के लिए। सुशीला बोली अगर इसी बीच तुम्हें अगर उसका कहीं से कोई खबर मिलती है तो हमें जरूर बताना। वो बोलती है जी जरूर। और भारती उनसे प्रणाम करके आगे कर ले करके चल देती है। सुशीला बोली कि देवी भारती से भी मेरे पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली। श्रीधर बोले कि तुम सुशीला आराम करो, घबराओ मत, अपना मन शांत रखो। सुशीला बोलती है कैसे मैं अपना मन शांत रखूं जब उसका बेटा ही उसके पास नहीं है?
श्रीधर बोलते हैं, मैं उठता हूँ, तुम सैया पर जाओ, मतलब तुम सोने जाओ, मैं वचन देता हूँ कल तुम्हारा भार भी तुम्हारे पास होगा, इतना बेचैन मत। सुशीला बोली, आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करेंगे मेरे बेटे को ला करके, मुझसे मिला करके। श्रीधर बोलते हैं, अब ठीक है, मैं दीपक मतलब कि फ्लेम जो है स्लो कर देता हूँ, अब तुम सो जाओ। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सुबह सबसे पहले कहाँ जाना है। सुशीला बोलती है कि उसके बिना मैं जी नहीं सकूंगी, पूर्णिमा के चंद्र की तरह मेरा एक ही तो लाल है, इसीलिए आप मुझे कहीं से भी ला करके मेरे बेटे को दीजिए, मेरे भारवी को। सुशीला बोली कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मन न जाने क्या क्या सोचता है। श्रीधर बोलते हैं कि अपना मन शांत रखो सुशीला, इस तरह बेचैन नहीं होते। देखो आकाश में कितने सारे तारे हैं, वे एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, लेकिन कोई चिंतित नहीं है, सभी एक ही फ्लेम में जल रहे हैं, सब एक ही जैसा चमक रहे हैं। सुशीला बोली कि इन तारों में कोई माता नहीं होगी। श्रीधर बोले, अपने मन को कल्पना से मुक्त करो सुशीला, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखो, अपने पुत्र के लिए मंगल कामना करो, जहां भी तुम्हारा पुत्र हो खुशी से हो। सुशीला बोलती, हाँ वो तो मैं करती ही रहती हूँ, ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, सबका पोषण ईश्वर ही करते हैं, उस पर विश्वास रखो। तभी कुछ ना नौ कुछ ऐसा होता है। सुशीला, क्या मेरा भार भी आ गया? श्रीधर बोले, अरे ये तो हवा का झोंका है, जिससे द्वार पर शब्द हुआ, तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो रही हो। सुशीला शांत रहो। सुशीला बोली, मैं शांत हूँ, लेकिन मुझे इस आवाज से ऐसा लगा जैसे मेरा कवि आ गया, वो अभी आते समय दरवाजे पर ऐसा ही आवाज करता है। श्रीधर बोले, तुम्हारा भार भी कल जरूर आ जाएगा, बस तुम शांति से रहो। श्रीधर बोले कि सुशीला, मैं तुम्हें देखकर बहुत दुखी हूँ, तुम इतनी अशांत हो, तो मैं अभी ही पुत्र को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। सुशीला बोली, अंधकार में कहाँ मिलेगा, प्रातः काल जाइएगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दीजिए, वो पंडित है, बुद्धिमान है, अब से ऐसा नहीं करेगा। श्रीधर बोले, सुशीला मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं, भारवी यह संसार का श्रेष्ठ महाकवि है, दूर दूर के देशों में इसकी बात होती है, लोग उसके शास्त्र ज्ञान के बारे में बात करते हैं, मेरे मन में भी बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन धीरे धीरे भारवी के मन में अहंकार बढ़ रहा था, जो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि उससे उसकी उन्नति रुक जाएगी, अहंकार उन्नति में बाधक होती है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्रशंसा तो कभी कर सभी लोग करते हैं, किंतु निंदा भी होनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि इस अहंकार के कारण मेरा पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला बहुत इमोशनल हो जाती है, बोलती है, क्या कहा आपने? श्रीधर बोले, हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र अहंकार की वजह से रुक जाए। सुशीला बोली, तो इसका मतलब आप जो गुस्सा दिखाते हैं वो सच्चा नहीं है? श्रीधर बोले, बिल्कुल भी नहीं, अनुमात्र भी नहीं, इस क्रोध में पुत्र की मंगल कामना छिपी है, मेरा पुत्र और भी विद्वान हो, यशस्वी बने। सुशीला बोली, ओह आप कितने महान हैं। तब तक एकाएक दरवाजा खुलने का आवाज होता है, ठीक है, और भारवी हाथ में तलवार लिए हुए अंदर आते हैं। भारवी बोलता है, पिता पिता। सुशीला श्रीधर दोनों साथ में, भारवी बोलते, हाँ मैं भारवी हूँ। सुशीला बोली, बेटा तू कहाँ था मेरे बेटे, तू इतना कठोर कैसे हो गया, तू हम सबको छोड़ करके चला गया था, कहाँ था? भारवी बोलता है, माँ तुम शांत रहो, अपने मन को स्थिर रखो, चित्त को शांत रखो। सुशीला बोलती है, तू भी यही कहता है, तेरे पिता भी यही कहते हैं, परंतु इस माँ के मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। भारवी बोली, माँ मैं यह कहता हूँ। सुशीला बोली, मुझे कोई बात नहीं माननी, तो बता कि तूने अभी तक कुछ खाया है या नहीं खाया है, मैं 2 दिनों से तेरा खाना लिए हुए बैठी हूँ।
भारवी बोला कि माँ, मैं इतनी ग्लानि में हूं कि शायद मुझे जिंदगी भर भूख ना लगे। सुशीला बोली, तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया है? सुशीला, ओह मेरा लाल, 2 दिन का भूखा है, मैं भी भोजन लाऊंगी। आभा, जल्दी खाना ला, भारवी आ गया है, अभी तक उसने खाया नहीं, कहाँ है उसका भोजन? भारवी बोला, पिता मैं आपका पुत्र होने लायक नहीं हूं, इसी तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए, ये लीजिए। श्रीधर बोले, बस मतलब बेटा, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते, अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूँ, तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। भारवी बोले, मैं सचमुच मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ, लेकिन यह प्रूफ तभी होगा जब आप इस तलवार से मेरा सर काट देंगे। श्रीधर बोले, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता, तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है, मतलब जो कमजोर होते हैं वो तलवार लेते हैं। भारवी बोला, किंतु पिता, यह तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो मेरे जीवन को झंझा की भांति झकझोर रही है, मतलब उस गिल्ट को काटेगी, मेरा मस्तक कटने के बाद उस गिल्ट को काटेगी जो मैं अभी फील कर रहा हूं। श्रीधर बोले, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, बस जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। सी, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब कि अगर लाइफ होगी तभी गिल्ट को जगह मिलती है, लेकिन अगर लाइफ नहीं होगी तो गिल्ट कभी आ ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लाइफ। लाइफ अगर आपके पास है तो गिल्ट आई है तो उसको हम दूर भी कर सकते हैं, लेकिन जब लाइफ ही ना हो तो गिल्ट या किसी और चीज के आने की जरूरत ही नहीं हो, ना ही कभी आएगी। और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। तुम जीवन के अधिकारी हो, जीवन की शक्ति, मतलब वही लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो आप लाइफ के रहते ही उस गिल्ट को खत्म कर सकते हो, तो तुम्हें तलवार क्यों चाहिए? और तुम एक महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, कलम, तलवार नहीं। यह तलवार कैसी है? भारवी बोला, पिता मैं महाकवि नहीं हूं, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं, तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं, ग्लानि का मुझ पर अधिकार है, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। श्रीधर बोले, ग्लानि काला बादल है बेटा, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक सकता है। ऑब्वियसली अंधेरा है तो उजाला भी होगा, लेकिन तलवार उसका प्रमाण नहीं हो सकता। भारवी बोला कि हाँ, तलवार रक्त के प्रभाव से हटेगा पिताजी, और वह रक्त मेरे मस्तिष्क का, मतलब मेरे सर का होगा। श्रीधर बोले, मस्तक में सहस्र जल है, जिसमें ब्रह्म का निवास होता है, जिसमें सारी बुद्धि और शक्ति होती है। मैंने तुम्हारे दोस्त दिखाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि ग्लानि का नाम देकर 2 दिन घर नहीं आओ और आधी रात में तुम आते हो और तलवार लेकर के बोलते हो कि मेरा सर काट। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज बहुत दुखी हो रही है, तुम उसे दुख दे रहे हो। भारवी बोला, पिता यह सब स्वीकार करता हूँ, आपसे डिबेट करना मेरे लिए और दुखदायी होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं प्रतिशोध में जल रहा था, मुझे था कि मुझे पिता से बदला लेना है। भारवी बोला, हाँ प्रतिशोध, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे दुश्मन हैं, आप मुझे बुरा भला कहके मुझे कमजोर बनाना चाहते थे, और आप मेरा परिहास, मतलब कि मेरा मजाक पंडितों के सामने आपने उठाया किया। मैं 2 दिन तक क्रोध और में जलता रहा, मुझे लगा कि आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मेरे पिता वर्तमान, मतलब मेरे साथ हैं, तब तक मैं इसी तरह लांछित होता रहूंगा, और इसीलिए मैं घर नहीं आ पाया। और श्रीधर बोले कि ये बात तो सही है जो तुमने सोचा। भारवी बोला, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जघन्य पाप है, सुसाइड करना सबसे गलत बात होती है। मैंने बहुतों बार सोचा, पिता को पुत्र की उन्नति से तो सुख होना चाहिए, लेकिन आपको दुख क्यों होता है? पिता को मेरे दोस्त ही दोस्त दिखाई पड़ते हैं, वे मुझे लांछित करते हैं और सारे विद्वानों के सामने अपना अपमान करते हैं। तो बोले कि मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हारे दोस्त दिखाने का रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें अपमानित होना बुरा लगेगा। भारवी बोला, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया
उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। भारी बोलता है कि वही बात मुझे इतना झकझोर गई, मुझे लग रहा था कि मैं आपको मार दूंगा क्योंकि आपके जीवित रहते मेरा भला नहीं हो सकता। भारी बोला, मैं पूरे 8 पहर तक, मतलब एक दिन में 4 पहर होता है ना, सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो 2 दिन में 8 पहर था। मैंने यही सोचा कि मैं आपका जीवन समाप्त कर दूंगा, तभी मैं खुश रह पाऊंगा। श्रीधर बोले, वाह, कितनी अच्छी बात थी कि मैं मुझे मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। भारी बोला कि मैं शाम से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था और मैं सोच रहा था कि जब आधी रात में माता सो जाएगी तब मैं आकर के आपके गले पर यह तलवार रख के आपका गला काट दूंगा। श्रीधर बोले, तो तुमने किया क्यों नहीं, और अभी भी तुम ये काम कर सकते हो? भारती बोला, मुझे और आ, आ, मतलब लांछित मत कीजिए, मतलब कि मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी गिल्ती को और ना बढ़ाइए। आज मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली है और अब मुझे लग रहा है कि मेरे जैसा गंदा पुत्र इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप मेरा भला चाहते थे लेकिन मैंने उस चीज को गलत समझा, इसीलिए मुझे प्रायश्चित करना होगा और उसी प्रायश्चित के बदले आप मेरा सर इसी तलवार से काट दें। श्रीधर बोले, शांत भारवी, मैं न प्रतिशोध लेता हूँ न भिक्षक देता हूँ। भारवी बोला, लेकिन मुझे दंड चाहिए, मैं दंड चाहता हूँ। श्रीधर बोले, किंतु मूर्ख पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं होता। भारवी बोले, फिर भी शास्त्र के अनुसार जो दंड मिलना चाहिए वो दीजिए। श्रीधर बोले, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए दंड की कोई जरूरत ही नहीं है। भारवी बोले, पाप के लिए ना सही लेकिन मेरे प्रायश्चित के लिए तो मुझे दंड मिलनी चाहिए। श्रीधर बोले, तुम्हारे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। भारवी बोला, आप महान है पिताजी, लेकिन मैं इसे क्षमा नहीं मांग सकता। श्रीधर बोले कि माता की सेवा करो और वही अपनी प्रायश्चित समझो। भारवी बोला, पिता, माता की सेवा करना तो मेरी चरम श्रद्धा, मेरे जीवन का लक्ष्य है, जब तक मैं जीवित रहूंगा करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो मुझे पनिशमेंट दीजिए। श्रीधर बोले, पुत्र, यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है, तुम्हें क्यों लगता है कि जीवन एक दंड है? भारवी बोला, मैं समझना नहीं चाहता लेकिन मैं इस अपराध और इस प्रायश्चित के साथ जी नहीं सकता, इसलिए मुझे ये प्रायश्चित का दंड दीजिए। श्रीधर बोले, भारवी, भारवी बोला, पिता, मेरे मन की शांति के लिए ही शास्त्र के अनुसार आप दंड की व्यवस्था कीजिए। श्रीधर बोले, 6 मास तक ससुराल में रहने के बाद, मतलब 6 महीने मैं ससुराल में जाओ और वहां लोगों की सेवा करना, और जो लोग जूठा भोजन छोड़ेंगे, मतलब खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर फूड होता है ना, वो जो बचेगा उस वही खा करके तुम 6 महीने तक रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। भारवी उसी समय अपना वो तलवार देता है और बोलता है कि यह लीजिए, ये तलवार मेरे मित्र विजय घोष का है, आप उसे दे दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा और मैं अभी से अपने प्रायश्चित की पूर्ति के लिए जाना चाहता हूँ। श्रीधर बोले, लेकिन अभी क्यों, बाद में जा सकते हो, तब तक उधर से सुशीला गरम गरम खाना लेकर के जल्दी से आ रही है। बेटा भारवी, आ जा, मैं तुझे हाथों से खिलाऊं, मेरी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। भारवी बोला, नहीं माँ, मुझे क्षमा करो, मैं 6 महीने बाद तुम्हारे इन्हीं हाथों से भोजन करूंगा। सुशीला बोली, 6 महीने बाद, क्या हुआ, क्या बात है? श्रीधर बोले, यह उसका प्रायश्चित है। सुशीला, प्रायश्चित, कैसा प्रायश्चित? भारवी बोली, यह पिताजी बता देंगे, माँ मुझे देर हो रही है, आज्ञा दो। भारवी माता पिता के चरण छू करके प्रणाम करके वहां से निकल चलता है। सुशीला बोलती, भारवी मेरे लाल अभी क्यों गया? श्रीधर बोले, भारवी गया और सुशीला अभी भी, मेरे लाल लौट आओ, लौट आओ। लेकिन भारवी को तो बस अपने क्या अपने प्रायश्चित की पड़ी थी और वो उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। तो ये भी एक तरह का प्रतिशोध था।